हेलो दोस्तों, तो आज दोस्तों मैं बताऊंगा फार्म में विंटर सीजन में क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है। तो विंटर सीजन आती है तो बीमारियां भी साथ में आती है, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर नीचे गिरती है। मानो कि 25 से जब टेम्परेचर नीचे आती है तो बॉडी के टेम्परेचर कम होने के कारण एनिमल और बर्ड के ऊपर बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, जैसे इकोली बीमारी। ऐसे एक बीमारी है जो कि किडनी के पास पीले रंग की परत जमना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है बोले तो, क्योंकि ये बीमारी आती है तो एक के बाद एक मोर्टालिटी बढ़ती ही जाती है। तो हर एनिमल में ये आती है किडनी की प्रॉब्लम। तो इस टाइम सही तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करें, साथ में बॉडी के हीट बना रखने के लिए सूखा खबर दीजिए। सूखा खाना देना होता है क्योंकि इसके कारण टेम्परेचर मेंटेन्स होती है बॉडी के अंदर। तो बाहर के अंदर कम भी होती है टेम्परेचर तो सही से मेंटेन्स हो जाती है। साथ में रूम के शटर रात के टाइम खुला ना रखें, थोड़ा बहुत रखें ताकि ऑक्सीजन भी आए अंदर और बीमारियां का जो चांस है वो ना आए। और फीड ज़्यादा इंटेक करती है इस टाइम विंटर सीजन पे, तो मुर्गों को सही तरीके से फीडिंग करें। टाइम टू टाइम सुबह दोपहर शाम दे सकते हो, 3 टाइम देते हुए तो साथ में पानी भी मेंटेन्स करें। और पानी के साथ बैक्टीरिया भी अपना मेंटेन्स करें। घर में बैक्टीरिया बनाते हो तो, और नहीं बनाना आते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कैसे बैक्टीरिया बनाए घर में ताकि बैक्टीरियल डिजीज भी ना आए। तो विंटर सीजन में खास करके इकोलाई बीमारी बहुत सताती है, तो इस टाइम ये जरूर मेंटेन्स रखें इकोलाई के लिए, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन, साथ में प्रॉपर परिमाण से पानी और बर्तन वगैरह जो फीडर यूज करते हो, फीडर या ड्रिंकर, तो सही से मेंटेन्स करें क्योंकि क्लीन ना रहने के कारण बहुत सारे बीमारी भी आती है। तो सही से फीडिंग करें और खाना भी मेंटेन्स करें। और हाँ दोस्तों, इकोलाई बीमारी आती है तो उसके बाद और बहुत ज़्यादा बीमारी आती है जिसके कारण में एक के बाद एक मोर्टालिटी बढ़ती ही जाती है। तो मोर्टालिटी घटाना है तो ये सब मेंटेन्स करना होता है, जैसे कि टेम्परेचर और पानी, गर्म पानी दे सुबह के टाइम, ठंड पानी ना दे। गर्म पानी मतलब तुरंत पंप से दिया हुआ डायरेक्ट पानी, उसे स्टॉप ना करें, डायरेक्ट ड्रिंकर फीडर में जाना चाहिए। उसके बाद खाना दीजिए, नहीं तो लिवर के लिए जैसे कि वेजिटेबल ये सब खिला सकते हो, मार्केट्स में कीड़े मकोड़े वाला भी मिल जाता है कम प्राइस में, तो भी खिलाइए ताकि डाइजेस्ट प्रॉब्लम भी ना आए और इकोलाई बीमारी भी ना अटैक करे। और इकोलाई बीमारी आती है तो मतलब उसका पाखा काटना है, ये समझ लेना है। जैसे ही इकोलाई बीमारी आए तो उसके लिए पाखा काट दे और फीडिंग प्रॉपर तरीके से करें। और बाहर में दोपहर के टाइम जैसे धूप आती है तो उस टाइम बाहर छोड़ दीजिए, ताकि बाहर का घास पत्ते भी खा लेता है, तो इसे जैसे कि पोल्ट्री का फीड ये सब का खर्चा भी बच जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो खर्चा बचाना है तो कुछ ना कुछ और मैनेजमेंट तो करना होता है। तो मैनेजमेंट सही से मेंटेन्स करे, नहीं तो जैसे कि इकोलाई आ जाती है उसके बाद सीआरडी आ जाती है, तो सीआरडी तो आती है मतलब इसके बाद है वायरस का अटैक। ठीक है ना दोस्तों, तो वायरस अटैक आती है तो फार्म पूरा बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन डिजीज है तो जल्दी छड़ता भी है। तो ये फार्म में जैसे कि बर्ड को स्ट्रेस आती है तो भी ये वायरस अटैक आ सकती है,
तो इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन्स करें विंटर सीजन में, इसके लिए जैसे कि हीटर यूज करें रूम में, ठीक है ना, कुछ भी करके मैनेजमेंट करना है, नहीं तो बीमारी आएगा और मेडिसिन का खर्चा बढ़ेगा इस टाइम, और मेडिसिन नहीं यूज करना चाहते, कम दाम में फार्मिंग करना का चाहते हैं, कम प्राइस में और कम कॉस्टिंग में मुर्गा तैयार करना चाहते हैं, तो ये मैनेजमेंट करें, नहीं तो बार बार ये बीमारी आती है फार्म में। और जैसे कि ये एक बार फार्म में आती है तो एक के बाद एक जाती है मुर्गों को, डिंकार में एक साथ खाना खाती है, फिर भी ट्रांसफर होती है ये बीमारी। तो रूम टेम्परेचर मेंटेन्स करें, साथ में जैसे कि विंटर सीजन है तो ह्यूमिडिटी कम होने लगती है, टेम्परेचर कम होने के कारण फार्म में ह्यूमिडिटी कम होने लगती है, तो रूम के अंदर पानी रखिए ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन्स हो, ठीक है ना। और दोपहर के टाइम स्प्रे मारिए 10 बजे के टाइम, इतना दोपहर भी मारना अच्छा नहीं होता, तो सुबह सुबह 10-9 बजे स्प्रे मारिए और फ्रेश सनलाइट रूम के अंदर घुस जाती है तो बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी नहीं आती।